तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी, आज की भोजन यूट्यूब न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है 23 फरवरी को भीम आर्मी का भारत बंद था, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है भीम आर्मी के ऊपर एक बहुत जबरदस्त हमला हो गया है भगवा गुंडों द्वारा। तो क्या था वो हमला और किसकी गाड़ी तोड़ी गई और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को भी शायद नुकसान पहुंचाया गया, तो दिखाऊंगा सारी खबर, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले स्टोरी निकलकर आ रही है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को दिल्ली आने की इजाजत नहीं थी, ना ही उनको दिल्ली में कोई मार्च, ना ही कोई दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने की इजाजत थी। तो इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी जो भारत बंद था, भीम आर्मी का भारत बंद था, औरंगाबाद में शामिल हुए। वहां पर जाकर उन्होंने मार्च किया, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को माल्य अर्पण किया और वहां पर जाकर एक जबरदस्त भाषण भी दिया। चंद्रशेखर आजाद जी का कहना था कि ये जो काला कानून है एनआरसी एनपीआर और दोस्तों ये सीएए जो नया एक्ट बनाया है मोदी सरकार ने, इसको वापस लेना ही होगा, जनता चाहती है कि इसे वापस लिया जाए। तो ये वीडियो देखो, क्योंकि ये संवैधानिक आंदोलन है, शांतिपूर्वक आंदोलन जो चल रहा है और उम्मीद है कि ये बात सरकार तक जाएगी, हमारे हकों के साथ हकों पर डाका नहीं पड़ेगा। औरंगाबाद आने का कारण क्या है? देखिए मैं महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र अब ऐसा तो नहीं, औरंगाबाद आना मेरा बैन है तो मैं पूरे महाराष्ट्र में जा सकता हूँ और अब मेरा प्रयास होगा बाबा साहब का स्टेचू है वहाँ माल्यार्पण करके फिर हम यहाँ मार्च करेंगे। सर, आपके साथ कितने कोई भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा सरकार कह रही है? सरकार कौन होती है? जनता ने तो बनाई ना सरकार, जनता मालिक है, लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वो होगा। आज के बंद के बाद सरकार से पूछेंगे सरकार क्या चाहती है, जनता से अलग है क्या सरकार? दोस्तों पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। इस वीडियो के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी का कहना था कि जिस प्रकार से ये मनुवादी सरकार, बीजेपी की सरकार बहुजन समाज के ऊपर जुल्म कर रही है, जिस प्रकार से राजस्थान में जो कांड हुआ है दोस्तों, दो बहुजन समाज के युवकों को मारा गया, बहुत बेरहमी से मारा गया, इन सारी बातों का जवाब हम इस भारत बंद से देंगे और भारत बंद सफलतापूर्वक होगा और जो सरकार है उनको हमारी बातें सुननी भी पड़ेगी। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले जो अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है एक्टिविस्ट वेद चैनल से। जैसा कि आपको मैं बता दूं, जो पूरा भारत बंद था ना भीम आर्मी का, सबसे ज्यादा अगर असर कहीं पड़ा हो, सबसे प्रबल भारत बंद जहां पर हुआ था वो थी जगह बिहार। बिहार में दोस्तों बहुत सारी जो लोकल पार्टीज थी, आरजेडी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, सभी ने समर्थन दिया था। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी तो सड़क पर उतरकर भारत बंद करवाने लगे थे। बहुत अच्छी खबर आ रही है बिहार से। और वहां पर जो एक पुसु है यानी कि पटना यूनिवर्सिटी है, उसके जो अध्यक्ष है मनीष कुमार यादव जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस बारे में अमर ज्योति जी जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, उनका क्या कहना है वीडियो देखिए। से मनीष कुमार को कॉलर पकड़ के उनको घसीटते हुए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मनीष कुमार एक प्रतिष्ठित बिहार का विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष है और जिस तरह से पटना पुलिस उनको बदतमीजी के साथ घसीटते हुए पुलिस पकड़ कर ले गई है, ये सरासर गलत है। और मैं बता देना चाहता हूँ नीतीश कुमार के सरकार को कि अगर आज शाम तक मनीष कुमार को रिहा नहीं किया गया तो भीम आर्मी पूरे जो पटना में पुलिस मुख्यालय है उसको घेरने का काम करेगी। गुजरात दोस्तों पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी ने कहा है कि अगर मनीष कुमार जी को फटाक से छोड़ा नहीं गया और उनको बेल नहीं दी गई तो जो बिहार की भीम आर्मी है वो पटना के हेडक्वार्टर, जो पुलिस हेडक्वार्टर है, उसका घेराव करेगी। इस बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सुरेश कुमार बोध जी की तरफ से, जिनका चैनल है वी लव बाबा साहब। जिस प्रकार से आपको पता होगा राजस्थान के अंदर दो बहुजन समाज के नौजवानों के साथ जो बर्बरता हुई थी, आपको पता ही होगा कितना गंदे तरीके से उनको मारा गया था, उनके गुप्त अंगों में पेचकस तक डाला गया था, पेट्रोल तक डाला गया था। इसको लेकर उनका कहना है, सुरेश कुमार बौद्ध जी का कहना है कि ये सब जो एक वो है ना, क्या बोलते, श्लोक है जो रामायण में है, ढोल गवार शुद्ध और नारी सभी ताड़न की अधिकारी, ये वाली व्यवस्था लाना चाहते हैं हमारे देश में, मनुवाद मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो आप उनको देखिए, व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति को मानने वाली व्यवस्था है। तुलसीदास ने जो कहा था, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, इस प्रकार की बातों को सुनने वाले, इस बातों को मानने वाले लोगों की इस देश में व्यवस्था है। और इसी कारण देश के हर हिस्से से बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार और शोषण की जो जातिवादी आतंकी जो वारदातें हैं वो हमारे सामने निकल निकल कर सामने आती है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ।
दोस्तों पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। इस वीडियो के अंदर सुरेश कुमार बौद्ध जी ने कहा है कि भाई सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, ममता बनर्जी की हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो इस देश के लोगों के अंदर मनुवाद कूट कूट के भरा है, मनुस्मृति के ये लोग गुलाम है, मनुस्मृति को मानने वाले लोग है, ये आए दिन बहुजन समाज के लोगों के साथ ऐसी हरकतें ऐसी बर्बरता करते ही रहेंगे। इसका कारण है मनुवाद। तो मनुवाद को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो क्या आप सभी लोग इस देश से मनुवाद को जड़ से उखाड़ के ना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए जल्दी से। गाइज अगली स्टोरी निकलकर आ रही है डिफरेंट थिंकर चैनल से। जैसा कि आपको मालूम है शाहीनबाग में एक धरना चल रहा है जहां पर बहुजन समाज की महिलाएं, मुस्लिम समाज की महिलाएं बैठकर धरना दे रही है एनआरसी और सीएए के खिलाफ। इसको लेकर प्रशांत बौद्ध जी ने एक व्लॉग बनाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वहां पर किस प्रकार से सजाया गया है, कितना अच्छा इंडिया गेट बनाया गया है, कितने प्रकार से जो फोटोज है उनको बनाया गया है, किस तरीके से बाबा साहब को वहां पर सिम्बॉल की तरह बनाया गया है, यानी कि उनको एक प्रतीक मान के वो धरना बना रहे हैं। आपको पता ही कि अंजुल भैया भी शाहीनबाग गए थे और उन्होंने भी वहां का एक ब्लॉग बनाया था, उसी प्रकार से प्रशांत बौद्ध ने भी एक ब्लॉग बनाया है। तो ये वीडियो देखो। हुए हैं हमारा देश का जो नौजवान है, हमारे देश का भविष्य के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये वहां पर प्रदर्शन के टाइम का ही फोटो है जब सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति का फोटो लेकर के उस चीज का विरोध कर रहे थे, संविधान को बचाने की मांग कर रहे थे। देखिए स्टूडेंट्स की क्या हालत हो गई है। ये लाइब्रेरी का और कॉलेज का है जो वहाँ पर खून टपका हुआ था, उनका फोटो है। उसके बाद में जो लाइब्रेरी में कांच फूटा हुआ पड़ा था, ये लाइब्रेरी के अंदर की डेस्क जिसके अंदर खुद प्रधानमंत्री की फोटो रखी हुई थी वो सब तोड़ी गई है। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। इस वीडियो के अंदर प्रशांत बौद्ध जी ने बहुत सारी चीजें बताई है। शाहीनबाग में जो एक एक चीजें लगी है ना, वो सारी चीजें उन्होंने बताई है और अच्छे से डिस्क्राइब भी करी है पूरी वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अंजुल भैया जो कि तथागत लाइव चैनल चलाते हैं, अभी कुछ दिन पहले शाहीनबाग गए थे, वहां पर जाके उन्होंने व्लॉग बनाया और आज क्या बोलते प्रशांत बौद्ध जी का व्लॉग आया है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से शाहीनबाग को बदनाम किया जा रहा है, ये मनुवादी मीडिया के द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर कोई भी जाके व्लॉग या वीडियो बना सकता है। तो मैं कहूंगा कि हर बहुजन समाज का जो यूट्यूबर है वहां पर जाकर ब्लॉग या वीडियो बनाए। तो भाई आप जाने वाले हैं कि वहां पर, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगले जो स्टोरी निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है भगवा गुंडों की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है दिल्ली के एक विधायक रह चुके हैं पहले आम आदमी पार्टी से, जिनका नाम है कपिल मिश्रा। अभी वो बीजेपी से चुनाव लड़े थे और बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे। उन्होंने एक ट्वीट करा जिस प्रकार से जो बहुजन समाज की मुस्लिम महिलाएं थी वो जाफराबाद स्टेशन पर चले गई थी बंद कराने के लिए चंद्रशेखर जी के आह्वान पर। तो भाई उन्होंने कहा कि ये लोग अब आपके घर में घुस जाएंगे, मतलब ऐसा फालतू सा ट्वीट करा। और वहां पर कुछ भगवा गुंडे आ गए मोजपुर स्टेशन के पास और दो गुटों में लड़ाई झगड़े हो गए, यानी कि दो गुट आमने सामने आ गए। एक जो सीएए का समर्थन कर रहे थे वो गुट और एक जो सीएए का विरोध कर रहे थे वो गुट। और वहां पे फतराव फायरिंग और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। फायरिंग तो नहीं, लेकिन जो जब कोई फायर करता है वैसी आवाज आ रही थी। तो ये वीडियो देखो। भगवा गमछे हाथों में डाले हुए, गले में डाले हुए और हाथों में तिरंगा लेकर आ जाता है और वो सीएए के समर्थन में इन हालात में वो आके प्रदर्शन करने लग जाता है। बताया जा रहा है कि वहां पर पथरा हुआ है, आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। आंसू गैस के गोलों की आवाज बंदूक की गोली जैसी आवाज होती है, लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो दलाल चाटुकार हैं वो उसे गोली भी बता रहे हैं। हमारे पास भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि वहां पे फायरिंग हुई है। जब चीजें निकल के आएंगी, चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, वहां से पता चलेगा तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि कपिल मिश्रा ने उकसाया ट्विटर पे और लोग निकल आए भारतीय जनता पार्टी के और वहां पर आकर एक बवाल की स्थिति बन गई है। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। आपको क्या लगता है उन गुंडों ने ऐसी हरकत क्यों करी होगी और ये सारी हरकत उन्होंने करी है कपिल मिश्रा के कहने पर, जो कई लाखों वोट से हारा था दिल्ली के अंदर। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों अगली स्टोरी निकल कर आ रही भीम आर्मी की तरफ से। दिल्ली में दोस्तों जाफराबाद में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी की गाड़ियों के ऊपर हमला करा था भगवा गुंडों ने। दोस्तों ये इसकी तस्वीरें रही, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। जो भगवा गुंडे थे उन्होंने भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के हिमांशु वाल्मीकि, उनकी गाड़ियां तोड़ दी दोस्तों बहुत बुरी तरीके से। इस बात को दोस्तों क्या बोलते कुछ अंबेडकरवादी, चंद्रशेखर आजाद जी और सभी भीम सैनिकों ने ट्वीट करके बताया है कि भीम आर्मी का जो काफिला था उसके ऊपर हमला हुआ है और ये सारा कांड
पुलिस के संरक्षण में हुआ है, पुलिस ने इसमें पूरा सहयोग करा है। और दोस्तों यहाँ पर उल्टा वाल्मीकि समाज के भाइयों को फंसाया जा रहा है। आपने देखा कांड करते हैं, हिंसा फैलाते हैं भगवा गुंडे, और फंसाया जा रहा है हमारे निर्दोष भाइयों को। कितनी शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस के लिए आप लोग कुछ लिखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर लिख सकते हो। और हमारे जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है हिमांशु वाल्मीकि जी, उनकी गाड़ियों को भी भगवा गुंडों ने तोड़ दिया। और ये सब किसके कहने पे किया? कपिल मिश्रा के कहने पर। उसने ही ट्वीट करा था ना, एक भड़काऊ ट्वीट, इसलिए सारे भगवाधारी बाहर आ गए थे, भगवा गुंडे। आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अपने भाई का चैनल यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपको मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। किताब जिसके किताब कहते तुम, हम तुम्हारे साथ है, झंडा पकड़े हम डंडा खाए हम, कभी राम के नाम पे कभी क्रांति के नाम से, ना ईमान है तेरा कोई बस इतना ही जान ले।